जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फूल पत्ती और लंबी पत्ती बनाना। वैसे तो ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, परंतु अपने भगवान के लिए कुछ अपने हाथों से करने में जो आनंद आता है, उसकी अनुभूति ही अलग होती है। तो चलिए, ये मैंने कपास ली है, रुई। इसका थोड़ा सा हम लेंगे हमारे हाथों में, ये देखिए। इसको सब तरफ से ऐसे करके देखिए, ये ऐसे हो जाता है और इसको हम ट्विस्ट करेंगे। ये मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा दूध हाथ में लेकर इस पे लगाएंगे और उसे ट्विस्ट करेंगे। दूध लगाने से इसके फोल्ड नहीं खुलते हैं। ये देखिए बत्ती, इसको नीचे से थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि जब हम दीपक में बत्ती लगाएं तो उसकी बैठक अच्छी आए। ये देखिए, ऐसे सेट रहती है तो ये डगमगाती नहीं है। एक और मार्केट में एक कलरफुल बत्ती भी चलती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, और फूल बत्ती का तरीका भी थोड़ा चेंज करके बताती हूँ, दूसरे तरीके से बताती हूँ। ये रुई ली, अब इसको थोड़ा सा एक साइड से इसको लेंगे। ये मैंने अष्टगंध है, उसको दूध में घोला है। अष्टगंध जो हम भगवान जी को लगाते हैं, ये देखिए, ये इसको लगाते हुए, अष्टगंध को लगाते हुए ट्विस्ट करेंगे। बहुत से लोग ये कलरफुल बत्ती ही पसंद करते हैं, ये लगती भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल पारिजात के फूल का लुक देती है। ये देखिए, इसमें से एक ही साइड से, मतलब एक ही डायरेक्शन से हमको ट्विस्ट करना है। अब ये दोनों तरफ से ट्विस्ट करने के बाद इसके दोनों साइड हम एक साथ ले लेंगे। देखिए, दोनों को साथ में लेके वापस हमको मिलाना है और ट्विस्ट करना है। ये देखिए, अगर ये पतली लगती है तो हम थोड़ी सी रुई और इसमें लगा सकते हैं। बत्ती का साइज छोटा या बड़ा आप जैसा पसंद करते हैं आप वैसा बना सकते हैं। ये देखिए, ये कलरफुल बत्ती बन गई, और इसका तरीका भी मैंने आपको दूसरा बताया है। ये देखिए कितनी सुंदर। ये अपने हाथों में लीजिए रुई, जितनी बड़ी आपको बत्ती चाहिए। थोड़ा सा दूध अपनी हथेलियों पर लगाइए, हथेली पर, और इसको ट्विस्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, हमने ये लंबी बत्ती, फूल बत्ती और ये कलरफुल बत्ती बनाई है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।